अपने कुछ अनुभव बताइए। आपकी माता जी का स्वास्थ्य कैसा है? उनकी इडनी किडनी बदलनी पड़ी? हाँ, अभी ठीक है लेकिन अभी तक मिली नहीं उसे। अच्छा, तुम आसाम होके? हाँ, एक दिन के लिए गई थी, तो मिलना नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन माँ की तबीयत ठीक है? हाँ, हमारी तरफ से जरूर उनको प्रणाम कहिए। हाँ? हाँ। तुम्हारी दोनों बहनें भी खेलती है ना? हाँ सर, वो लोग अभी एक BSF और एक CIS। अच्छा, घर में झगड़ा होता तो फिर यही खेल होता है कि कुछ बातों से झगड़ा होता है? नहीं सर, बचपन में बहुत झगड़ा होता था, उसी के कारण हो गया है। और जब मैं गुजरात में था तो खेल महाकुंभ करता था, उसके पीछे मेरा इरादा यही था कि लगातार बच्चों में घंटा दो घंटा खेलना चाहिए। मैं हमेशा 13, 14, 15 जून गुजरात में जब मुख्यमंत्री था, गुजरात में तो 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो मोना को पूछोगे तो बताएगी आपको, तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो मैं इन 3 दिन गांव में जाके रहता और उस गांव में रहता था जहां बच्चियों की शिक्षा मिनिमम, यानी बच्चियां पढ़ी नहीं, उस गांव में रहता था और हर एक परिवार को समझा समा के बच्चों को स्कूल ले जाता था, छोटी छोटी बच्चियों, और मैं बच्चियों को पढ़ाने के पीछे काफ़ी मेहनत करता था। मेरा अनुभव है कि जब ये खेल महाकुंभ हमने शुरू किया तो गांव में भी लोग खेलना शुरू किया। इवन मैंने सीनियर सिटीजन्स के खेल रखे, लोग मजा के लिए भी आते थे, इकट्ठे होते थे, तो उसका एक कल्चर बन रहा। और इस बार 6 बच्चियां आपके साथ थी, वो मूल कारण था, वो खेल महाकुंभ से निकली, क्योंकि ये खेल एक स्वभाव बनाना।